महंत नृत्य गोपाल दास पर अभद्र टिप्पणी के मामले में तपस्वी छावनी के महंत और परमहंस दास के गुरु महंत सर्वेश्वर दास ने परमहंस को निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि महंत परमहंस दास का आचरण ठीक नहीं है। पूज्य संत महंतों पर अशोभनीय टिप्पणी करना संतों का आचरण नहीं होता। आपको बताएं कि अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस ने मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास पर हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया था। शुक्रवार को जारी किए गए एक वीडियो में परमहंस ने कहा कि नृत्य गोपाल दास उनकी हत्या कराने का संकल्प ले चुके हैं। जब तक उन्हें केंद्रीय सुरक्षा नहीं मिल जाती तब तक वापस नहीं लौटेंगे। वहीं अभद्र टिप्पणी को लेकर के रामविलास वेदांति ने सफाई भी दी। देखो भाई, ये जो ट्रस्ट बनने वाला है जी सरकार, गोरखनाथ संप्रदाय का व्यक्ति रामानंद संप्रदाय के मंदिर में अध्यक्ष कैसे बन सकता है? बिल्कुल नहीं सरकार जी। हाँ, हमारा नाम प्रस्तावित कीजिए और नहीं तो रामानंद संप्रदाय का कोई व्यक्ति बने, दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति कैसे यहाँ बनेगा चेयरमैन? जी सरकार, मैं तो पूरा सर महाराज जी वहाँ जो है तो जितना था कोई एक भी आवाज आपके पक्ष में नहीं उठाया। केवल मैं सिंगल ऐसा साधु हूँ कि सारे चैनल डिबेट में हमने आवाज उठाया। नहीं, आज से आप बोलना शुरू कीजिए कि चेयरमैन वेदांति जी को बनाया जाए, नहीं तो रामानंद संप्रदाय के किसी संत को बनाया जाए। लेकिन गोरखनाथ संप्रदाय का व्यक्ति रामानंद संप्रदाय के मंदिर का चेयरमैन कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको जो है अब नित्य गोपाल दास जी का दिमाग खराब है तब क्या बताए, बताइए। पागल है गोपाल दास, पूरा पागल है, मरने वाला है। अब बताइए अभी इनको जो है तो हम लोग इतना सम्मान दिए आज तक, अयोध्या का नाक कटा देंगे? नहीं बिल्कुल विरोध करिए, कुल की विरोध करिए। ठीक है गलत बात, विरोध करेंगे लेकिन कोई दिक्कत होगी तो बाद में संभालिएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कहिए सीधे रामानंद संप्रदाय का कोई संत बने चेयरमैन। ठीक है इस बात को हम उठा, दूसरे संप्रदाय का चेयरमैन स्वीकार नहीं है, रामानंद संप्रदाय का कोई होना चाहिए। ठीक महाराज, मैं इसको उठाता हूँ बड़े जोर शोर से। जी धन्यवाद सरकार। श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परम पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी के संबंध में परमहंस दास ने जो मेरे नाम पर किसी के द्वारा कहवा कर मेरा नाम प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल गलत है। मैंने कभी भी पूज्य नित्य गोपाल दास जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया ही नहीं है। उसने मुझसे कहा कि हमको रामानंदाचार बना दीजिए, तो मैंने कहा रामानंदाचार बनाने का काम अखाड़ा का है। निर्माणी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा, तीनों अखाड़ा मिलकर के ही जगतगुरु रामानंदाचार बनाते हैं। तब उसने जानबूझ करके मुझको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया है और किसी के द्वारा मेरे शब्दों के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग कराया गया जो मेरी भाषा में इस प्रकार शब्दों का बोल रहा है। देखिए, संविधान सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों का है। हमारे हम लोगों के चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई, हम जो है संवैधानिक है और संविधान की जो लक्ष्मण रेखा है उसको हम लोग कभी पार नहीं करेंगे। राम के बिना हम नहीं जी सकते हैं यह सत्य है, लेकिन देश की जो सबसे बड़ी अदालत है उसका जो भी फैसला आएगा तो वो हम लोग चाहे जैसे भी हों, चाहे हिंदू हों मुसलमान हों सिख हों ईसाई हों, उसको हम निष्ठा के साथ स्वीकार करेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे तो उससे बचना चाहिए। हम एक मर्यादित जीवन हम लोगों का है और मर्यादा में रहकर जो है किसी भी प्रकार से जो है हम अपने विचारों को व्यक्त करें, और यह स्वाभाविक एक प्रक्रिया है कि मर्यादित जीवन मर्यादित शब्द हमारे होने चाहिए, नपे तुले होने चाहिए। और इस प्रकार से अगर किसी भी संत के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी की जाती है तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम कटु निंदा करते हैं।